हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, टुडे वी स्टार्ट आवर सेकेंड बुक। सेकेंड बुक का हम फर्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर है आपका पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कंपोजिशन, कि पॉपुलेशन जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संरचना यानी कंपोजिशन यानी जनसंख्या कई फर्स्ट चैप्टर है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम इसको अब इंडिया लेवल के ऊपर डिस्कस करेंगे, इंडिया लेवल के ऊपर हम इसको स्टडी करेंगे। जनांकीय के लंबे इतिहास के कारण भारत विश्व में, अब जनांकीय के लंबे इतिहास के कारण भारत विश्व में चीन के बाद जनसंख्या के मामले में सेकेंड पोजिशन पर आता है। यानी फर्स्ट पोजिशन पर सबसे ज्यादा वर्ल्ड में जनसंख्या है वो चाइना की है, उसके बाद सेकेंड पोजीशन के ऊपर भारत का नंबर है वो आता है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में सातवें स्थान पर आता है। अब भारत विश्व के यानी भारत जो टोटल विश्व का 100% जो एरिया है, उस 100% एरिया के भारत 2.4% भूभाग पर विस्तृत है। यानी भारत संपूर्ण विश्व के ओनली 2.4% भाग के ऊपर है वो विस्तृत है, और भारत पॉपुलेशन में सेकेंड पोजीशन पर आता है, जबकि यहां संसार की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। यानी भारत है वो विश्व का, हम मान लेते हैं जैसे हमने ये मान लिया 100%, तो 100% के 2.4% भाग के ऊपर भारत विस्तृत है, और विश्व की 100% पॉपुलेशन में से यहां पर 17.5% जो पॉपुलेशन है वो निवास करती है। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से तो भारत 2.4% भूभाग पर फैला हुआ है, और विश्व की टोटल जनसंख्या का 17.5% जो भाग है वो भारत में पाया जाता है। हमारी जनसंख्या की विशालता का अनुमान निम्नलिखित तुलनाओं से लगाया जा सकता है, कि हमारी जनसंख्या इतनी विशाल है इसका अनुमान है, ये निम्नलिखित कंपैरिजन हम करते हैं उन कंपैरिजन के आधार पर यह अनुमान है वो लगाया जा सकता है। भारत की जनसंख्या उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की संयुक्त जनसंख्या से भी अधिक है। यानी उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, यानी तीनों को मिला दिया जाए, इन तीनों को मिलाकर भी भारत की जनसंख्या है वो इन तीनों से अधिक है। भारत की जनसंख्या अफ्रीका की जनसंख्या से, यानी अफ्रीका की जो जनसंख्या है उससे डेढ़ गुना, भारत की जो पॉपुलेशन है वो अफ्रीका की जनसंख्या से डेढ़ गुना, उत्तरी अमेरिका से 3 गुनी, ब्रिटेन से 7 गुनी व ऑस्ट्रेलिया से 44 गुनी अधिक है। यानी भारत की जो पॉपुलेशन है वो अफ्रीका से डेढ़ गुना, ठीक है बेटा, उत्तरी अमेरिका से 3 गुनी, ब्रिटेन से 7 गुनी व ऑस्ट्रेलिया से 7 गुनी भारत में पॉपुलेशन है वो है। अकेले यूपी में अगर हम बात करें भारत के यूपी राज्य की, तो अकेले उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या जापान, पाकिस्तान, नाइजीरिया व बांग्लादेश की जनसंख्या से अधिक है। यानी यूपी भारत का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला राज्य है, और भारत का एक यूपी राज्य विश्व के कई देश जैसे जापान, नाइजीरिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश की जनसंख्या से ज्यादा जनसंख्या है वो भारत के यूपी राज्य में पाई जाती है। अब देखो हम बात करते हैं सेंसस की, तो भारत में पहली जनगणना 1872 में की गई थी, लेकिन उस पहली जनगणना में कुछ त्रुटियां थी, कुछ कमियां थी, तो दोबारा पुनः जनगणना है वो 1881 में की गई। उसके बाद हर 10 वर्ष के अंतराल के बाद जनगणनाएं हैं वो की जाती रही हैं। लास्ट जनगणना 2011 में की गई थी, तब तक भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है वो थी। यानी 2011 की जनगणना में भारत की जो जनसंख्या है वो 121 करोड़ थी, लेकिन अब हम करंट की बात करते हैं तो भारत की जो पॉपुलेशन है वो 136 करोड़ के आसपास है। अब जनगणना 2021 में होगी, ठीक है, तो स्वतंत्र भारत में हर 10 वर्ष बाद जनगणनाएं है वो नियमित अंतराल के बाद की जाती रही हैं।
तो स्वतंत्र भारत में 2021 तक, सॉरी 2011 तक भारत की 15 जनगणनाएं हैं वो की जा चुकी हैं। अब 2021 दो सॉरी स्वतंत्र भारत में 7 जनगणनाएं हैं वो की जा चुकी हैं, लेकिन अगर हम इससे बात करते हैं तो भारत में 15 जनगणनाएं हैं वो की जा चुकी हैं, और दो स्वतंत्र भारत में 7 जनगणनाएं हैं वो की जा चुकी हैं। अब नेक्स्ट जनगणना होगी वो 2021 में होगी, ठीक है, 2021 में, क्योंकि हर 10 वर्ष बाद नियमित अंतराल के ऊपर जनगणनाएं हैं वो की जाती हैं। अब हम बात करते हैं जनसंख्या और आर्थिक विकास की। देखो, प्राय यह अनुमान लगाया जाता है कि ज्यादा जनसंख्या है वो आर्थिक विकास के मार्ग में एक रुकावट है वो पैदा करती है, क्योंकि जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ती जाती है उस हिसाब से रोजगार के अवसरों में वृद्धि है वो नहीं होती, क्योंकि जनसंख्या है वो बहुत तेज गति से बढ़ती है और उस गति से रोजगार के अवसरों में वृद्धि है वो नहीं होती। इसका कारण यह है कि जिस गति से जनसंख्या में वृद्धि होती है उस गति से उत्पादन में वृद्धि नहीं होती, परिणाम स्वरूप प्रति व्यक्ति औसत आय कम हो जाती है, लोगों का जीवन स्तर निम्न हो जाता है। कि जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ती है उस हिसाब से रोजगार के अवसरों में वृद्धि नहीं होती, लोग बेरोजगार हो जाते हैं, उससे प्रति व्यक्ति जो आय होती है पर कैपिटा इनकम वो डाउन हो जाती है और लोगों का जो जीवन स्तर होता है वो नीचे गिर जाता है। अब लोगों का जीवन स्तर नीचे गिर जाता है तथा उनकी कार्य कुशलता में कमी आ जाती है, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है इसलिए बचत तथा निवेश की मात्रा में भी कमी आ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप बेरोजगारी बढ़ने लगती है। बेरोजगारी और गरीबी अनेक सामाजिक आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी है। बड़ी जनसंख्या सीमित संसाधनों पर दबाव डालती है जिससे पर्यावरण का ह्रास होता है। अब जो बड़ी जनसंख्या है, अब जनसंख्या है वो तो बगैर किसी प्लानिंग के लगातार बढ़ती जा रही है, और संसाधन क्या है, संसाधन है आपके सीमित। अब सीमित जो संसाधन है, ज्यादा जनसंख्या है वो सीमित संसाधनों के ऊपर दबाव डालती है और जिससे पर्यावरण का है वो ह्रास होता है। अब भारत क्या है, भारत गांव का देश है। भारत में 6,40,367 यानी 6,40,367 गांव है जिनमें 68% पॉपुलेशन है वो निवास करती है। और भारत क्या है, एक कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश होने के कारण यहाँ पर ज्यादातर जो लोग हैं वो प्राइमरी एक्टिविटी में यानी कृषि के कार्यों में संलग्न है। तो बढ़ती हुई जनसंख्या है वो कृषि के ऊपर दबाव डालती है, और कृषि है वो ज्यादा लोगों की आवश्यकताओं को पूरा है वो नहीं कर पाती, और कृषि के ऊपर लगातार दबाव है वो बढ़ता जा रहा है। कृषि एक सीमा तक ही बड़ी जनसंख्या का भरण पोषण कर सकती है, उससे आगे वो उस लोगों का भरण पोषण है वो नहीं कर सकती। सभी गांवों में सामाजिक सेवाएं और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना बड़ा कठिन कार्य है। जनसंख्या की विशालता और इसके अत्यधिक ग्रामीण स्वरूप के अतिरिक्त नर जातीय विविधता, तीव्र वृद्धि दर और जनसंख्या का असमान वितरण अन्य पक्ष है। अब जनसंख्या है वो इतनी तेज गति से बढ़ रही है कि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण गांव में जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी व्यवस्था कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, और बढ़ी हुई जनसंख्या है उससे काफी सामाजिक और आर्थिक समस्याएं हैं वो खड़ी हो जाती हैं, और उन समस्याओं से निपटने में काफी दिक्कत या परेशानी का सामना करना पड़ता है। जनसंख्या का असमान वितरण एक अन्य कार्य है। अब देखो, जनसंख्या का असमान वितरण, क्योंकि ज्यादा जनसंख्या है वो वहां रहना पसंद करती है या वहां निवास करती है जहां पर समतल मैदान हो, भूमि उपजाऊ हो, सिंचाई के साधन उपलब्ध हो, उन क्षेत्रों में जनसंख्या है वो ज्यादा रहती है कंपेयर टू जो आपका प्लेटू एरिया है, पठारी क्षेत्र है या पर्वतीय क्षेत्र है, उसमें कम लोग रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वहां पर जीवन यापन की जो दशाएं हैं वो काफी कठिन है, और मैदानों में जीवन की दशाएं हैं वो सुलभ है, वहां पर लोगों को रोजगार है वो भी आसानी से मिल जाता है, जमीन उपजाऊ है, खेती अच्छी होती है। तो जनसंख्या का असमान वितरण भी एक समस्या है वो खड़ी करता है। जो देश के सामाजिक आर्थिक विकास की प्रक्रिया और गति को धीमा कर रहे हैं, यानी ये जनसंख्या का असमान वितरण या मूल बढ़ती हुई जनसंख्या है वो देश के सामाजिक और आर्थिक विकास की जो प्रक्रिया है उसको धीमे कर रहे हैं, उसको तेज गति से बढ़ने नहीं दे रहे हैं। अब भारत में क्या है कि भारत में पॉपुलेशन है वो निर्बाध गति से बढ़ती जा रही है,
और बढ़ती हुई पॉपुलेशन की तरफ किसी का ध्यान नहीं है कि आने वाले टाइम में यह एक बहुत बड़ी समस्या है, वो भारत के सामने खड़ी हो जाएगी। और अगर भारत की पॉपुलेशन इसी गति से बढ़ती रही तो भारत 2025 में तो चाइना की पॉपुलेशन के नियर बाई आ जाएगा और 2045 में भारत है वो चाइना को पीछे छोड़ देगा। यानी भारत की पॉपुलेशन है वो इतनी तेज गति से बढ़ रही है कि आने वाले टाइम में भारत है वो चाइना को भी पीछे छोड़ देगा।